हाय स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम आपको टेबल कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे और आई होप टेबल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको प्रीव्यू दिखाते हैं। ये हमारे सामने एक टेबल वन है, इसका कोड हम करेंगे और दोबारा हमें टेबल टू का कोड करेंगे। टेबल वन एक सिंपल टेबल है और टेबल टू एक टेबल है जिसमें हमने रो स्पैन यूज़ किया है। तो हम इसको कैसे करेंगे प्रैक्टिकल में देखते हैं। नोट पैड पर हम गए, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। सबसे पहले हमने लिखा नो, यहाँ पे हमने कोई भी बॉडी या कुछ नहीं लगाया है, मैंने सीधे सीधे टेबल यूज़ किया है। तो आप लिखेंगे टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 4 5, जो भी रखना चाहते हैं रख दीजिए। इसके जस्ट बाद आप कैप्शन लिखेंगे। कैप्शन, कैप्शन एक टैग होता है जिसमें हम टेबल का नेम लिखते हैं, जैसे ऊपर लिखा है टेबल वन, तो ये कैप्शन है। तो हम कैप्शन में लिखेंगे टेबल वन और कैप्शन को हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पे कैप्शन को क्लोज कर दिया। अब इसके तुरंत बाद हम टेबल रो ऑन करेंगे, टी आर। टेबल रो ऑन हो गई, पहली टेबल बनानी है जिसमें नेम और पोस्ट लिखा हुआ है, पहली रो। तो इस रो को हमने स्टार्ट किया और क्योंकि ये बोल्ड है नेम और पोस्ट, तो इसके लिए हमने टी एच लिखा। टी एच का मतलब होता है टेबल हेडर। तो पहला टी एच, तो पहला सेल बन रहा है जिसमें हमने लिख दिया नेम, फिर हमने टी एच को ऑफ कर दिया। ऐसे ही दूसरा टी एच में पोस्ट लिखा है, तो मैंने टी एच लिखा और पोस्ट लिख दिया और टी एच को हमने ऑफ कर दिया। इसके जस्ट बाद हमने टी आर को ऑफ कर दिया क्योंकि ये रो यहाँ पर क्लोज हो जाती है। तो इससे क्या होगा, नेम और पोस्ट बन जाएगा। इसका प्रीव्यू दिखाना चाहते हैं, यहाँ फाइल में जाके सेव करो, यहाँ नाम दे दो, जैसे हमने टेबल नाम दिया .html या .htm। हमने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया, सेव कर दिया। अब हम इसको देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे टेबल जाके आप ओपन करेंगे तो ये आपके सामने रिजल्ट अभी आ जाएगा। ये देखिए टेबल है जिसमें टेबल वन कैप्शन है और नेम और पोस्ट लिख के आ रहा है। ये आपके सामने इसका रिजल्ट आ रहा है, ये इसका कोड है देखिए। अब इसके जस्ट बाद हमें कुछ सुरेश, रमेश और ऑफिसर लिखना है, ऐसा कुछ। तो हम कोड कुछ ऐसा करेंगे, फिर से हमने टी आर ऑन किया, टी डी का मीन्स होता है टेबल डेटा। इसमें हमने लिखना है रमेश और ऑफिसर, तो दो बार टीडी लिखेंगे। हमने पहले लिख दिया रमेश और टीडी क्लोज कर दिया, टीडी यहाँ पे क्लोज हो गया। और इसके जस्ट बाद ने दोबारा टीडी ऑन किया और यहाँ पे हमने इसका एड्रेस पोस्ट लिखा है ऑफिसर और यहाँ पर टीडी क्लोज हो गया। इसके जस्ट बाद हमने टी आर को क्लोज कर दिया, टी आर क्लोज हो गया। इतना करने से हमने इसको सेव किया और ये हमारा रिजल्ट आ रहा है, हमने रिफ्रेश कर दिया। तो देखिए सेकेंड रो बन गई है रमेश एंड ऑफिसर। एंड इसके जस्ट नीचे हमको, हमने यहाँ कैपिटल नहीं लिखा था इसलिए ऑफिसर स्मॉल में आया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैपिटल लिख दीजिए कैपिटल आ जाएगा। इससे जस्ट बाद हम एम एस वर्ड की टेबल देखें तो इसमें दूसरी एक थर्ड रो है जिसमें सुरेश और मैनेजर लिखा हुआ है। अगर इसको हम करना चाहते हैं तो नोट पैड में यही चीज़ दोबारा लिख दीजिए, मैंने कॉपी किया यहाँ पेस्ट कर दिया है, पूरा ये लिख दीजिए, बस नाम बदल दीजिए। यहाँ पे हमने यहाँ पे सुरेश कर दिया, सुरेश, और यहाँ पे हमने मैनेजर कर दिया। फिर सेव किया, यहाँ पे गए रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पर चेंज हो गया है। तो ऐसा करने से आप इस तरह सिंपल टेबल बना पाएंगे। अगर आपको स्पेसिंग वगैरह करनी है तो आप टेबल में लगा सकते हैं सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू 4 लिख दिया मान लीजिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ जाएगी इसके इसके बीच, ये सेल स्पेसिंग है। और यहाँ पे हम टेबल का बॉर्डर बीजी कलर भी कर सकते हैं, बीजी कलर रिक्वेस्ट हमने रेड कर दिया तो ये रेड हो जाएगा।
इस तरह से आप सिंपल टेबल बना लेते हैं। आइए सभी को क्लियर होगा, अगर आप रो का कलर चेंज करना चाहते हैं तो TR के अंदर आप दे सकते हैं बीजी कलर इक्वल टू, सपोज दैट हमें ग्रीन किया, आप ऐसे ही हर TR में लगा देंगे तो वो चेंज हो जाएगा। मैंने दूसरी TR में लगा दिया बीजी कलर इक्वल टू येलो, तो येलो हो जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे आपका कोड चेंज हो चुका होगा। आई होप आपको सिंपल टेबल क्लियर हो गई होगी HTML में। और इसका दूसरा कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे हम अभी देंगे, तो हम इसको दूसरे टाइप में बताते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।